सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है हमारे हेलमेट के वाइजर के ऊपर। सो ये रहा मेरा हेलमेट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, स्टील बर्ड SB70 इसका मॉडल है। रोबोट वाला है, ये स्प्रिंग से ओपन होता है, स्प्रिंग से क्लोज मैकेनिज्म है। सो इसका वाइजर बेसिकली ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, और इसको इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी हल्की सी डिफरेंट होती है जो हमारे रेगुलर वाइजर्स होते हैं हेलमेट के। सो आज की वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने इसके अंदर ये स्टॉक वाइजर था, इसको मैंने रिमूव कर दिया अभी। तो ये इधर लगता है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने का प्रोसेस आपको नहीं दिखा सका मैं, तो इसलिए मैं आपको जो ये स्मोक वाइजर है जो मैं अभी परचेज करके लाया हूँ, इसको इंस्टॉल करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से प्रोसेस रहती है। और सबसे पहले बात करते हैं वाइजर की। सो ये है वाइजर कुछ इस तरह का। सो इस तरह का स्मोक वाइजर है ये। बात करें इसकी कॉस्टिंग की, सो ऑनलाइन ये 219 रुपीज़ का मिलता है स्टीलवुड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। पर उसके अंदर एक इसका कौन है कि आपको 150 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस अलग से पे करनी पड़ती है। सो मतलब आपका 370-380 रुपीज़ का चार्ज आपको पड़ जाएगा। उसी जगह ऑफलाइन मार्केट में ये मिल जाएगा, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी प्रोसेस से जानता हूँ, पर ऑफलाइन मार्केट में आपको मिल जाएगा। मेरी बात करें तो मेरे को ये 270 रुपीज़ का पड़ा है, बार्गेनिंग करके 350 रुपीज़ वो भी बोल रहे थे, पर 270 के अंदर मिल गया। सो आपको भी 250 से लेके 270 के अंदर आराम से मिल जाएगा। सो बात करें वाइजर की, तो स्टील बर्ड का ओरिजिनल वाइजर है। सो एज यू ऑल कैन सी, थोड़ा पास आके दिखा दे। तो इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसको रैपर को निकालते सबसे पहले, नहीं इसको एक बार रहने देते, एक बार आपको पहले इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद में इसको निकाले, क्योंकि सबसे सेटिस्फाइंग थिंग होने वाली है। और इसको रिलीज करके इधर हमें बिठाना होता है। सो इसको सबसे पहले तो हमें इस वाले को सबसे पहले इस लॉक को आपको अंदर डालना है। तो इसको यूं डाउन करके इस तरफ से अंदर डाल दिया। उसके बाद में जो इसका ये लॉक मैकेनिज्म है, इसको पुल करना है, ये बैठ गया इधर लॉक में और ये डन। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इतना ही करना है। अब यही सेम चीज़ हमें फॉलो करनी है इसके दूसरी तरफ में। सो इस तरफ आ जाते हैं। सो इस तरफ भी हमने इस तरफ से पहले अंदर डाला, उसके बाद में इसको इसके मैकेनिज्म तक लाना है हमें। सो ये है, इसको इधर से यूँ रिलीज़ किया, इधर लाए और इसको ये पुल किया, ये अंदर बैठ गया और ये लॉक कंप्लीट। इतना सा सिर्फ करना है आपको, इतने में आपका ये वाइज़र लग जाएगा। सो ये हमारा कंप्लीट वाइज़र इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉलेशन डन। बालों को माइंड मत करना, वापस से कैप पहन लेता हूँ मैं। सो हेलमेट पहनने के जैसे मेरे बाल ख़राब हो गए थे अभी, जैसा कि देख सकते हो। सो कोई नहीं, वो चीज़ तो अलग है। तो मैंने बोला कोई नहीं, वीडियो बना के सबसे पहले आपको बताता हूँ। मैं अभी जस्ट इसको परचेस करके लाया, मैंने बोला इसका वीडियो बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है एक तरह से। डिफिकल्ट नहीं है वैसे, है ये इजी, पर कॉम्प्लिकेटेड है हल्का सा। सो देख लिया, ये काफ़ी ईजी है, खाली आपको लॉक्स के अंदर इसको बिठाना है और ये कम्प्लीटली डन हो जाता है। आपको ये पूरा फ्रेम निकालने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता। अब हम सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ करते हैं, जो है इसकी ये रैपर को निकालना। ये चीज़ करना काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है मुझे। सो ये रहा, आप देख सकते हो लुक कुछ इस तरह का आ रहा है हेलमेट का कंप्लीट अभी। सो काफ़ी अच्छा लगता है स्मोक वाइजर एज कम्पेयर टू ये ट्रांसपेरेंट वाला। ताकि जिस फोटोज़ वीडियोज़ के अंदर भी ट्रांसपेरेंट बहुत ही भद्दा लगता है वाइजर, मालूम नहीं कंपनी स्टॉक क्यों देती है, पर नाइट में काफ़ी अच्छा रहता है ये। एज़ कम्पेयर टू नाइट में इसकी विजिबिलिटी हल्की सी कम हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ। अगर स्ट्रीट लाइट्स और आपकी बाइक की लाइट्स अच्छी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप एकदम डार्क एरिया में राइड करोगे तो हल्की सी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं एक बार पहन के आपको लुक चेकआउट करा दूँ कि किस तरह का लुक आने वाला है। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी लुकिंग। अगर आपने इसको ये स्मोक वाइजर के बाद में देख सकते हो साइड से भी, तो स्मोक वाइजर से यही होता है कि काफ़ी अच्छी लुक्स आती है, और लुक्स के साथ लुक्स एनहेंसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा स्मोक वाइजर को यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली सारे बाइकर्स जो होते हैं वो स्मोक वाइजर रखते ही अपने साथ में, जब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी टाइम होता है तो इसको लगा लेते हैं और राइड्स के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी कूल लगते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपेरेंट वाला। और जब भी उन्हें राइड्स करने होते हैं नाइट में, तो ट्रांसपेरेंट लगा लेते हैं। आपने देख लिया, काफ़ी ईजी प्रोसेस है, 1 मिनट भी नहीं लगता आपको इंस्टॉल करने में। तो इसको फटाक से निकाला और उसको फटाफट से डाल दिया। सो यही था इस वीडियो के अंदर दोस्तों, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और ऑनलाइन प्लीज़ मत मंगाना, मैं इधर आपको फोटो डाल रहा हूँ, 219 रुपये का ये ऑनलाइन, बट उसके अंदर आपको 150 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। उससे अच्छा एक बार आप एक बार ऑफलाइन मार्केट में जाके देखो, आपको इजीली मिल जाएगा हेलमेट स्टोर के ऊपर। अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन में भी जा सकते हो। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।